ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। गया में प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाला पितृपक्ष मेला इस साल नहीं होगा। कोरोना को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस बाबत निर्णय लिया है। प्रत्येक वर्ष मेला का आयोजन इसी विभाग के द्वारा किया जाता है। 18 अगस्त को विभाग द्वारा जनहित में पितृपक्ष मेला स्थगित रखने की बात कही गई है। इस साल 2 सितंबर से पितृपक्ष मेला शुरू होने वाला था, लेकिन कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पहले ही राज्य सरकार ने 6 सितंबर तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। भूमि राजस्व विभाग ने अपनी चिट्ठी में भारत सरकार के गृह मंत्रालय और बिहार सरकार के गृह विभाग के आदेश का जिक्र किया है। बताया गया है कि भारत और राज्य सरकार के आदेश के आलोक में यह निर्णय लिया गया है। राज्य आदेश में बताया गया है कि कोविड-19 के कारण पितृपक्ष मेला में आने वाले पिंडदानियों द्वारा सामाजिक दूरी की अनुपालन में होने वाले कठिनाइयों और संभावित संक्रमण को देखते हुए जनहित में पितृपक्ष मेला 2020 को स्थगित किया गया है। आपको बताते चले कि हर साल गया में 6 लाख से ज्यादा पिंडदानी पितरों को मोक्ष दिलाने आते हैं। गया में एक महीना तक मेला लगा रहता है। पंडा के बारे में बताया जाता है कि एक ऐसा वर्ग है जो पूरे साल पिंडदानियों का इंतजार करता है। बड़ी संख्या में लोग एक महीने तक यहाँ रहकर पिंडदान करते हैं। ऐसे में यहाँ व्यापार भी बढ़ता है और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन इस साल मेला आयोजित नहीं किए जाने से हजारों लोगों की रोजगार छिन जाएगा। देखिए, राजस्व विभाग जो कि नोडल डिपार्टमेंट है श्यामड़ी मेला और पितृपक्ष मेला के लिए, उसके द्वारा कल हम लोग ये निर्णय प्राप्त हुआ है कि पितृपक्ष मेला जो कि प्रत्येक वर्ष गया में आयोजित होता है, वह इस वर्ष नहीं हो सकेगा कोविड-19 के मद्देनज़र, क्योंकि इस मेला में काफ़ी वृद्ध लोग आते हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी होती है और भारत सरकार का जो गाइडलाइंस जारी हुआ है जिसमें किसी भी तरह का रिलीजियस समागम पे बैन है, और राज्य सरकार के गृह विभाग के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी हुआ है जिसमें 6 सितंबर तक सभी तरह के धार्मिक संस्थान बंद हैं, तो उसके आलोक में यह निर्णय लिया गया है। और मुझे लगता है कि काफ़ी समीचीन भी है, क्योंकि अभी जो प्राथमिकताएँ हैं, प्राथमिकता यह है कि संक्रमण का दर कम किया जाए। काफ़ी हद तक गया सक्सेसफुल रहा है अभी तक, और बिहार भी सक्सेसफुल रहा है, और दूसरा लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकें। मुझे लगता है कि ये विशेष दौर है, विशेष समय है जिसमें कि हम लोगों को इस तरह का निर्णय लेना पड़ा है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि इस निर्णय का इस वर्ष पितृपक्ष नहीं प्रारंभ होने से विशेष करके तीर्थ पुरोहितों और हम लोग जो पुरोहित हैं, गया जी के पंडित लोग हैं और भी लोकल जितने भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं जो वहाँ पे दुकानदार वगैरह हैं, वो सब में व्यापक असर पड़ा है, जिसके तहत हम लोग पूरे वर्ष तक इस पितृपक्ष के लिए इंतज़ार करते रहते हैं। आगंतुकों का और अपने तीर्थयात्रियों के बारे में सोचते हैं और पितृऋण से मुक्त करने के लिए उनको श्राद्ध और कर्मकांड करवाते हैं, तो उनके ना आने से या पितृपक्ष ना होने से हम लोगों की आर्थिक स्थिति में बड़ा ही व्यापक असर पड़ा है। जो पितृपक्ष पितृ का मोक्ष होता है, तो अगर आगंतुक नहीं आएंगे, विगत 5 महीने से लॉकडाउन के कारण हमारे पंडा समाज के लोग कुछ एक पंडा जी लोग खुद ही पिंडदान कर रहे थे, कुछ लोकल लोग भी पिंडदान कर रहे थे, तो अगर आगंतुकों का आना ना हुआ तो हम लोगों को फिर
फिर उसी प्रकार से कुछ न कुछ पिंडदान करते रहना पड़ेगा। और कोरोना महामारी के कारण हम लोगों के जनजीवन